वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडीज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड शेडो, ठीक है। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं आपके रीजनिंग में, तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी पहले। अगर आपने मेरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की वीडियो ना देखी हो, ठीक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। इस चैनल में वीडियोस अपलोड में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उससे आपको ये है कि क्लियरली डायरेक्शंस का पता चल जाएगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उससे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको बेसिक्स। ये होता है, ऊपर की साइड होता है हमारा नॉर्थ, लेफ्ट साइड होता है हमारा ईस्ट, एंड ये इधर की साइड होता है वेस्ट, ठीक है। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमारा साउथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वेस्ट की साइड सनसेट है, ईस्ट की साइड सनराइज है, ठीक है। आप बस इतना याद रखोगे, और ये आपकी सब डायरेक्शंस हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में हो जाएगा साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। इतना पता चल गया। अब चलते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ कि शेडो के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। पहले सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है। यहाँ पे देखिए, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ देखिए, मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ईस्ट में सन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट में शेडो बनाई है, तो जहाँ पे सन होगा उसकी जस्ट अपोजिट आपकी शेडो होगी, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे इवनिंग में देखिए, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वेस्ट में सन आ जाएगा और ईस्ट में शेडो हो जाएगी, ठीक है। सन की जस्ट अपोजिट आएगा आपका शेडो। अब इतना याद रखने का है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा हम शेडो और सन की बात करेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन में हम कभी भी सन और शेडो की बात नहीं करते हैं, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल लाइन में करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में करते हैं। कहने का मतलब ये है, आप हमेशा ईस्ट और वेस्ट में काउंट करोगे सन और शेडो को, ठीक है। मॉर्निंग है तो सन ईस्ट में आ जाएगा, इवनिंग है तो सन आपका वेस्ट में आ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी शेडो आ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है, तो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में जो हमारा सन है वो ईस्ट में आता है, तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सन हमारा ईस्ट में आता है, तो सन हमारा इस साइड आएगा, शेडो हमारी इस साइड आएगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट, सन की जस्ट अपोजिट इस साइड शेडो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ईस्ट में सन बनाया है, शेडो यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसने क्वेश्चन में बोला है, अमन एंड हरदी वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो यहाँ पे हम ये डायग्राम बनाएंगे, फेस टू फेस बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ देख के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल उसमें हमने शेडो और सन बना लिया, इतना हो गया। अब उसमें पूछ रहा है आगे, इफ़ शेडो ऑफ अमन फॉल टू हिज लेफ्ट, ये इसका अगर शेडो इस साइड है तो इसी साइड डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट है, नीचे की साइड अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो इसका राइट हो जाएगा, राइट। अब उसने बोला है कि अमन की जो शेडो है वो अमन के लेफ्ट में फॉल हो रही है। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो जब अमन इस डायरेक्शन में देखेगा, ऊपर के डायरेक्शन में खड़ा है, तो जब इस डायरेक्शन में होगा तभी तो उसकी शेडो लेफ्ट में पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अमन आ जाएगा, यहाँ पे हरदीप आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में, हरदीप किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हरदीप आपका साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ होती है, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इवनिंग, क्वेश्चन में पूछा है इवनिंग, तो इवनिंग में क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो वेस्ट में होता है और जो हमारी शेडो होती है वो ईस्ट में होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब उसे यही क्वेश्चन सेम है, रिपीट है, अमन एंड हरदीप वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ओके, इसमें भी फेस टू फेस बोला है। फिर उसने बोला है,
कि जो हरदीप की शेडो है वो उसके राइट में आ रही है। अब शेडो आपका इस साइड है तो आप इस साइड डायरेक्शन देखोगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। हरदीप के राइट में आ रही है उसकी शेडो, तो जब हरदीप इधर होगा तभी उसकी शेडो राइट में आएगी ना, तो अमन यहाँ हो जाएगा। तो अमन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अमन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है आपकी? साउथ, ठीक है, साउथ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में सन आपका कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका सन, ये डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट में आपका सन हो जाएगा, शेडो आपकी इधर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है फेस टू फेस वो लोग बात कर रहे हैं दोनों, ठीक है, फेस टू फेस बात हो रही है। और बोला इफ़ शेडो ऑफ अमन वॉज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ हरदीप, अब इस साइड शेडो है तो इसी साइड आप डायरेक्शन देखोगे, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अमन की शेडो हरदीप के लेफ्ट पे पड़ रही है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी हो गया ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे लिखी है लेफ्ट टू द हरदीप, अगर यहाँ पे लिखा होता लेफ्ट ऑफ हरदीप तो सेम चीज़ है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हरदीप, तो जहाँ पे लेफ्ट होगा वहाँ आप हरदीप का नाम लिख दोगे, तो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे हरदीप लिख दीजिए, यहाँ पे अमन आ जाएगा। तो अमन किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका आंसर साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इवनिंग की बात हो रही है, इवनिंग में क्या सन कहाँ पे होता है आपका? वेस्ट में होता है, और शेडो कहाँ पे होती है? ईस्ट में होती है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बोला वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, अब यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पे इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट में कन्फ्यूजन अगर हो जाएगी आपको तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए राइट एंड लेफ्ट आपको पता होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में शेडो है उसी साइड आप डायरेक्शन बना दोगे, ठीक है। अब बताना यहाँ पे लिखा है राइट ऑफ हरदीप, तो कहाँ पे राइट लिखा है हमने? यहाँ पे, तो हरदीप इधर आ जाएगा, अमन बच्चा यहाँ आ जाएगा। हरदीप किस डायरेक्शन फेस कर रहा है क्वेश्चन में पूछा है, तो हरदीप ऊपर की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ होती है, ठीक है, तो नॉर्थ, हमेशा जो आपका आंसर है वो साउथ और नॉर्थ में आएगा, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। अब देखिए यहाँ पे इवनिंग के लिए पूछा है, तो इवनिंग में वेस्ट में सन आएगा और ईस्ट में शेडो आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसने बोला है कि अमन एंड हरदीप वे आर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर, बैक टू ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं वो लोग, ठीक है। अब बोला है उसने शेडो ऑफ अमन वुड एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हरदीप, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन बनाएंगे, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ हरदीप, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? राइट ऑफ हरदीप, अगर यहाँ पे लिखा होता राइट टू द हरदीप तो सेम थी, तभी भी राइट के पास हरदीप आता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट लिखा है, एज इट इज़ आप इस चीज़ को यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ पे हरदीप आ जाएगा, यहाँ पे अमन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अमन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अमन साउथ में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी साउथ होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इवनिंग का है ये, इवनिंग में सन आपका इधर आ जाएगा, शेडो इधर आ जाएगी, स्टैंडिंग बैक बोला है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर। अब उसने बोला है शेडो ऑफ हरदीप वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमन, यहाँ पे राइट ऑफ अमन लिखा है ना, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपकी राइट हो जाएगी, ये आपकी लेफ्ट हो जाएगी, शेडो इस साइड है ना, इसी डायरेक्शन में हम काउंट करेंगे, तो ये आप यहाँ जस्ट कॉपी कर दीजिए, राइट के पास अमन आ जाएगा, लेफ्ट के पास हरदीप आ जाएगा। उससे पूछा है हरदीप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो हरदीप नीचे फेस कर रहे हैं, तो हरदीप साउथ में आ जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो शेडो का, शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर सकते हो, आपको रिप्लाई